हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज के वीडियो में हम लोग सेटअप करने जा रहे हैं इस वाइवेरियम को, तो चलो शुरू करते हैं। तो जो लोग मेरे को काफी टाइम से फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि ये जो लैसियोडोरा पेरिहबाना है ये मेरा सबसे पहला टरांटुला था। तो सेंस बनाता है कि यही सबसे पहला टरांटुला हो जिसको एक अच्छा नेचुरलिस्टिक वाइवेरियम मिले। तो वाइवेरियम के सेटअप में सबसे पहला स्टेप होता है ड्रेनेज लेयर बनाने का। तो ड्रेनेज लेयर का बेसिकली फंक्शन ये है कि जब आप पानी दोगे पौधों को और सबस्ट्रेट में, तो जो एक्सेस पानी होगा जो सबस्ट्रेट को खराब कर सकता है वो इसके अंदर ड्रेन हो जाएगा और सबस्ट्रेट अच्छा एरी और लाइक सैचुरेटेड नहीं रहेगा। इस चीज के लिए मैं ये पत्थर के चिप्स का यूज कर रहा हूँ। ये बहुत सस्ता है, मेरे को तो एक्चुअली फ्री में ही मिल गया था। लाइक मैंने 10 किलो लिया था एंड वो फ्री में ही दे दिया, तो बेस्ट है मेरे लिए ये। सो गाइज, नेक्स्ट स्टेप होता है कि स्क्रीन सेपरेटर इंस्टॉल करने का। तो स्क्रीन सेपरेटर बेसिकली कोई भी मैश हो सकता है। मैं यहाँ ये मच्छर के जाली का जो मैश आता है वो यूज़ कर रहा हूँ। उसका बेसिकली फंक्शन ये है कि ये सबस्ट्रेट को ड्रेनेज लेयर में घुसने से प्रिवेंट करेगा। अगर सबस्ट्रेट ड्रेनेज लेयर में चला गया तो वो वाटर अब्सॉर्ब कर लेगा और ड्रेनेज लेयर का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। तो अब स्क्रीन मैश लगाते हो ताकि सबस्ट्रेट और ड्रेनेज लेयर अलग अलग रहे। सो गाइस, अब पूरा ये सेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्लांट्स इंट्रोड्यूस करने का। तो मैंने जो प्लांट्स मंगाए हैं वो nurserylife.com से मंगाया है। लाइक काफ़ी टाइम से मैं ये वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ एंड लाइक ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है, इसी के लिए मैंने इसी से ही ऑर्डर करा। मैं दो टाइप के प्लांट्स यूज़ करूँगा। एक तो है फाइकस प्यूमिला, जो कि क्रीपिंग फिग भी बुलाते हैं इसको। ये क्रीपिंग प्लांट है और क्लाइंब भी करता है। और दूसरा जो प्लांट है वो है बोस्टन फर्न। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं एंड लगाते हैं फिर इसको। बाय द वे, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट नर्सरी लाइफ अगर आप ये देख रहे हैं तो हाँ, मेरे को प्लांट्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरे को फ्री में प्लांट्स भेज सकते हैं। तो गाइस, प्लांट्स लगाने के बाद ये इन्क्लोजर ऐसा दिख रहा है, काफ़ी कूल दिख रहा है। जैसे लाइट फिल्टर थ्रू करके जब सबस्ट्रेट में गिर रहा है तो वो धीरे धीरे ग्रीन ग्रीन सा जो कलर आ रहा है, मेरे को बहुत पसंद आया ये बेसिकली। तो इसके बाद मैं हाइट बनाऊंगा अपने लैसियोडोरा पेरिहबाना के लिए। मैंने बहुत वीडियोज़ देखे हैं जिसमें लैसियोडोरा पेरिहबाना लाइक वाइल्ड में कैसे रहता है। तो यूजुअली वो पत्थर और ट्री रूट्स के अंदर छुपके रहते हैं, तो इसी के लिए मैं एक रॉक यूज़ कर रहा हूँ। मैं उसके नीचे थोड़ा गड्ढा खोद दूंगा, स्टार्टअप बरो बेसिकली, ताकि टरांटुला को पता लगे कि कहाँ से बरो स्टार्ट करना है। अगर आपको इंटरेस्ट है देखने में कि ये टरांटुलास वाइल्ड में कैसे बिहेव करते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रूर जाके चेक करना। नेक्स्ट स्टेप है लीफ लिटर को इंट्रोड्यूस करना, जो मैंने किया लेकिन मेरे कैमरा ने रिकॉर्ड नहीं किया। बट एनीवेज, उसके बाद हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे क्लीनअप क्रू के लिए मैं आइसोपॉज और स्प्रिंग टेल्स का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्लीनअप क्रू के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं वो भी अभी लिंक कर दूंगा, तो उसको भी बाद में देख लेना। एंड या सो जो क्लीनअप क्रू का जो मेन फंक्शन है वो है कि जो अनईटन फूड और फंगस वगैरह है वो प्रिवेंट करना। वो बेसिकली अनईटन फूड और फंगस को खा जाएंगे और सबस्ट्रेट में घुस के अपने बरोज बनाएंगे, जिससे क्या होगा ना, सबस्ट्रेट में एयर घुसेगा और ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा सबस्ट्रेट का। तो चलिए गाइस, अब वाइवेरियम कंप्लीट हो चुका है। अब टरांटुला को इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसका रिएक्शन देखते हैं।
सो गाइस, ये था मेरा पहला वाइवेरियम बिल्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, आप अगर यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस, कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। एंड या मैं हर सैटरडे वीडियो अपलोड करता हूँ, तो चलो आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सैटरडे। सी या।